बीजेपी की चुनाव समिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है। 2024 के लिए नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है, नई चुनाव समिति का ऐलान है। और जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया है, शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। कुछ नए नाम सामने आए हैं, उसमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, के लक्ष्मण का नाम है, येदियुरप्पा का नाम है। तो ये इस वक्त एक नई लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं और सर्बानंद सोनोवाल, यहां पर येदियुरप्पा, इन तमाम लोगों का नाम शामिल है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, 2024 मिशन को लेकर जो ये बड़ा फेरबदल हुआ है, जरा इसमें जानकारियां दीजिए, कौन कौन से बड़े नाम हटाए गए हैं और कौन कौन से नए नाम हैं जिन्हें यहां पर शामिल किया गया है। देखिए, सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है जिनको हटाया गया, और शिवराज सिंह चौहान है, दोनों पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, उन दोनों को हटा दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड्स में अगर पहले देखा जाए तो बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और बी एल संतोष, संगठन महामंत्री के नाते ये लोग मौजूद थे। लेकिन नई जो संसदीय बोर्ड का गठन किया गया उसमें अब जो बने हैं, जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष होने के नाते, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, वी एस येदियुरप्पा कर्नाटक से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम से पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री हैं, श्री के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव जो कि हरियाणा से हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं, सत्यनाथ जेटिया मध्य प्रदेश से आते हैं, और बी एल संतोष, 11 लोगों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। और जहां तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बात है उसमें भी फेरबदल किया गया है, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उसमें भी नितिन गडकरी को हटा दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है, और शहनवाज हुसैन हुआ करते थे उनको भी हटा दिया गया, और इसमें येदियुरप्पा, सोनोवाल, लक्ष्मण और तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो लोग इसमें इंक्लूड ही है। साथ ही भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और श्रीमती बंती श्रीनिवास को भी इसमें शामिल किया गया सेंट्रल इलेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को दोनों कमेटियों में जगह नहीं मिली है। नहीं तो ये क्या हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान दोनों बड़े कद्दावर नेता हैं, दोनों को लेकर ये हटाया जाना, इसके संकेत, इसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि अब इस खबर पर चर्चा बहुत होगी। देखिए, मायने साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान नाराज है, क्योंकि नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी है, बड़े नेता भी है, नंबर 4 पे उनकी प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, फिर उसके बाद नितिन गडकरी की सरकार में गिनती होती थी, लेकिन पूरा अध्यक्ष के नाते भी वो कमेटी के सदस्य होते हैं। लेकिन इस बार उनको हटाया जाना, कहीं ना कहीं पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को लेके आया महाराष्ट्र से। अशोक, एक सवाल ये भी कि यहां पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ये जानकारी दी गई है कि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है इस बार। नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रखा गया है, लेकिन कई राज्यों से प्रतिनिधित्व दिया गया है, पूरे मुख्यमंत्रियों को इसमें रखा गया है, कई केंद्रीय मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस को रखा गया है, और कर्नाटक से येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री है, सोनोवाल है असम के पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन केंद्रीय मंत्री है। इस प्रकार से ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम नितिन गडकरी का है, जिनको पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय समिति से बात करें। लेकिन अशोक, यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति, इन दोनों ही जगहों के अध्यक्ष भी जेपी नड्डा ही बनाए गए हैं, और साथ ही साथ नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान को इन दोनों ही जगहों से हटाया गया है, सिर्फ एक जगह से नहीं। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वो तमाम कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि ये पार्टी की कमेटी है, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो, तो दोनों की दोनों कमेटियां पार्टी की होती हैं, और पार्टी अध्यक्ष के नाते वो दोनों पार्टियों के प्रमुख माने जाते हैं, चाहे वो संसदीय बोर्ड हो या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो। उसके बाद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जैसे मैंने बताया 11 पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य रखे गए हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और बी एल संतोष, संगठन महामंत्री होने के नाते बी एल संतोष की तमाम कमेटियों में सदस्य के नाते उनको रखा जाता है, और बी एल संतोष पहले भी थे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, लेकिन कुछ और नामों को इसमें ऐड किया गया है, संसदीय बोर्ड हो या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। अशोक, हर कोई हैरत में जो ये जान रहा है कि नितिन गडकरी इस सूची में नहीं है। अब सवाल ये, नितिन गडकरी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं काम के लिहाज से जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ होती है,
उनका इस सूची में ना होना, सदस्य ना होना, ये हर किसी को चौंका रहा है। क्या भविष्य के लिए खतरा थे इसलिए उनको सूची से हटा दिया गया, बोर्ड से हटा दिया गया? देखिए, एक तो बहुत वोकल है वो, पार्टी के भीतर और बाहर अपने हिसाब से बोलते हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते रहे, पार्टी प्लेटफॉर्म हो या बाहर भी जो उनको बोलना होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी अलग मन को लगता रहा होगा। हालांकि परफॉर्मेंस जितने भी सर्वे जाए उसमें नितिन गडकरी नंबर वन पे माने जाते रहे, लेकिन वोकलनेस की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि किस वजह से उनको हटाया गया या शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से ला करके कंपनसेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन नितिन गडकरी कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल हैं उनको हटाने के लिए। बिल्कुल अशोक, अशोक इस पूरी लिस्ट को और जितने भी नाम इसमें हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सोचकर ये लिस्ट बनाई गई? राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है इस लिस्ट के अंदर,